भारत माता की मुझे पता है कि आप पिछले चार घंटे से यहाँ पर बैठे हैं पुनः एक बार मैं सभी शहीद परिजनों को धन्यवाद देता हूँ सभी हमारे अथर्व फाउंडेशन के और अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अथर्व होटल मैनेजमेंट अथर्व मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और सभी अथर्व के स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूँ मैं ऐसी कहानी आपको बताने वाला हूं आपने सभी कहानियां सुनी सभी शूरवीरों की शौर्य गाथाएं आपने सुनी मैं ऐसे एक योद्धा की कहानी आपको बताने जाने वाला हूं जो नागालैंड के जंगलों से शुरू हुई है हम सभी लोग जानते हैं हमने कभी कभार नागालैंड की उस चट्टानों भरी पहाड़ों की तरफ देखा होगा हमने यह भी देखा होगा कि नागालैंड की तरफ जाते समय जंगलों में छोटे छोटे गांव है छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे घरों में भी सैनिक रहते हैं ऐसे हमारे महावीर चक्र विजेता कैप्टन केन्गु रूसे की मैं कहानी आपको बताने वाला हूं नागालैंड से निकलती हुई इनकी दौर उम्र सिर्फ पच्चीस साल पूरा देश देख रहा था कारगिल में युद्ध छेड़ा था और कारगिल में युद्ध छेड़ने के बाद एक खत अपने पिताजी को लिखने वाला सैनिक था उसने लिखा था पिताजी मैं घर आ भी सकता हूं या घर नहीं भी आ सकता हूं लेकिन एक ही बात मैं इस खत द्वारा आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं घर वापस नहीं आया तो मेरे लिए शोक न करना क्योंकि मेरे लिए मेरे देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान की भावना आज जग रही है मैं मेरे देश के लिए बलिदान कर जाऊंगा कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी कैप्टन किंगू रूसे को कहा गया जिसकी घातक टुकड़ी कहा जाता है घातक प्लाटून कहा जाता है उस घातक प्लाटून के वो सैनिक थे और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनको ऐसी जिम्मेदारी दी कि 16,500 फुट की ऊंचाई पे जाना है टेम्परेचर शून्य से नीचे माइनस टेन डिग्री है जैसे हम सब ने अखबारों में पढ़ा था द्रास बटालिक कारगिल टाइगर हिल सभी जगहों पे अपने जाबाज सेनानी जाबाज अधिकारी जाबाज सेना के जवान लड़ रहे थे और जब ये बातें कैप्टन केन्गु रुसे को पता लगी कि मुझे 16,500 फुट की ऊंचाई पे बसे हुए सात बंकर पे हमला करना है सेना के सभी जाबाज जवान तैयार हो गए 28 जून उन्नीस की वो रात थी उस रात को कारगिल द्रास बटालिक और टाइगर हिल में जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे भारतीय सेना के जवान झूंझ रहे थे और ऐसी एक रात में 28 जून उन्नीस को झूंझने वाले हमारे नागालैंड से गांव में से आए हुए सैनिक कैप्टन किंगू से भी थे जैसे जैसे इनकी सेना के हमारे सभी जवान वहां से आगे चलते गए एक नहीं दो नहीं चट्टान पार करते करते चढ़ने लगे ऐसी एक चट्टान पार करने के बाद जब वहां पर पहुंचे तो कैप्टन किंगू को बुला के उसके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि एक बंकर में से जो मशीन गन दिख रही है उस मशीन गन को अगर उस पोस्ट से नहीं हटाया गया तो जो हमारे यहां से जो सैनिक यहां से इस चट्टान को लांगना चाहते हैं चढ़ना चाहते हैं वो चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 16,500 फुट की ऊंचाई से पाकिस्तानी सैनिक जो लगातार गोलीबारी कर रहे थे नीचे की ओर गोलीबारी कर रहे थे जो लगातार गोलीबारी कर रहे थे विचार करो एक बाजू से हमारे भारतीय सेना के जवान उसी चट्टान से ऊपर आ रहे बर्फीली ठंड है, है चारों तरफ बर्फ लगा है उसी पहाड़ पे उसी चट्टान पे सेना के जवान उसी बर्फीली चट्टान में रस्सियां फंसा फंसा के एक दूसरे के सहायता से एक कंधे पे बंदूक लगी है एक कंधे पे मोर्टर लगा हुआ है ऐसे करते करते पहली चट्टा नलांगते हुए सामने आते हैं तो देखते हैं कि दो बंकर में से पाकिस्तानी सैनिक लगातार बारूद फेंक रहे हैं ऐसा ही एक बारूद आके कैप्टन केंगू सूर्य के सामने गिर जाता है कैप्टन कैंगू से के सामने आने के बाद उस बारूद से पहले तो वो जख्मी हो जाते हैं जख्मी होने के पश्चात भी सामने खड़े हुए पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर गोलीबारी करते हैं चारों तरफ से हमला होने के बाद भी उन्हीं दोनों बंकरों को ध्वस्त करने का काम यही हमारे नागालैंड का जाबाज सिपाही कर देता है एक बाजू से तो ध्वस्त हो चुका है जिस बम ने छोटे छोटे छर्रों ने उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है के गुरु से के शरीर में से खून आना शुरू हुआ है लेकिन पुनः एक बार कमांडिंग ऑफिसर उनके पास संदेश आता है कि अभी ये जो दो बंकर आपने उध्वस्त किए हैं ध्वस्त किए हैं, ऊपर जाना है और ऊपर जो पांच बंकर दिख रहे हैं और वो जो मशीन गन ऊपर से मारा कर रही है उसे ध्वस्त करना है कैप्टन आज जी जान से आपकी जान की बाजी लगा दो अगर हिंदुस्तानी सेना को विजय हासिल करना है तो ये पांच बंकर को आपको नष्ट करना होगा कैप्टन किंगुरु से चाबाज़ सैनिक चल पड़ते हैं चालू हो जाती है वापस वही दौर रस्सी को पुनः एक बार उसी बर्फीली चट्टान में फंसा देते हैं फंसाने के बाद एक दूसरा सैनिक अपने दूसरे साथी को खींचना शुरू कर देते हैं ऊपर से गोलीबारी हो रही है फिर भी सैनिक एक दूसरे की सहायता सहायता से आगे चल रहा है चढ़ रहा है चट्टानों पे जा रहा है ऐसे करते करते ध्यान में आता है कि बची हुई हजार बारह सौ फीट की ऊंचाई की आखिरी चट्टान अगर हमें पार करनी है तो कैप्टन केन्गु से के जूते वहां से फिसल रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन जूते की वजह से बर्फीली चट्टान में वो जूते फंस नहीं पा रहे हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता कोई सोच नहीं सकता कैप्टन केन्गुरु से ने जो किया उन्नीस सौ की उस रात को किसी के सपने में नहीं आ सकता है बर्फीली ठंडी हवा में माइनस टेन डिग्री के वो जगह पे कैप्टन केन्गुरु से ने अपने जूते खोल के फेंक दिए हजार फुट की चट्टान बची हुई बिना जूते के वो लांग गए चढ़ गए और बंकर के सामने आते हुए उसी बर्फीली जगह पे खड़े हो गए एक बाजू के हा, एक बाजू के खंदे में मोटर लगा है, एक बाजू में बंदूक लगी है लगातार उन्होंने वहां पर उसी बर्फीली जगह पे उसी बर्फीली चट्टान पे लगातार गोलीबारी शुरू कर दी चारों तरफ बचे हुए पांच बंकरों में से पाकिस्तानी सैनिक गोलीबारी कर रहे कि यह सैनिक कैसा इतने ऊपर आ गया लगातार उसके पीछे से अपने सैनिक आना शुरू हो गए एक बंकर ध्वस्त किया दूसरा बंकर ध्वस्त किया तीसरा बंकर ध्वस्त किया बचे हुए दोनों बंकर की तरफ कैप्टन से बढ़ रहे गोलियां लग रही है एक नहीं दो नहीं पंद्रह गोलियां शरीर के अंदर चली गई है लेकिन कैप्टन से के गुरु से वो दो बंकर अभी भी दिख रहे हैं लगातार ग्रेनेड सामने आके गिर रहे हैं फिर भी कैप्टन के से ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी हो जाए चाहे मेरे प्राण इस देश के लिए कुर्बान हो जाए मैं बचे हुए दो बंकर को भी ध्वस्त करूंगा। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए अपने पट्टे में लगे हुए बम से बचे हुए बंकर को भी ध्वस्त किया चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना के सभी जवानों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया भारतीय सेना के जवान तभी ऊपर आना शुरू हो गया था ये पता लगा कैप्टन किू से अभी ऐसी हालत में है कि अभी शायद आगे नहीं बढ़ सकते इतने में एक जगह से करीबन आठ जनों की पाकिस्तान की टोली पाकिस्तान की सैनिक वहां से गोलीबारी करते हुए कैप्टन से के और बढ़ रहे थे पुनः एक बार पचानबे प्रतिशत क्षतिग्रस्त पचानवे प्रतिशत शरीर छलनी हो चुका है फिर भी कैप्टन से ने कहा कि मैं चाहे शहीद हो जाऊं ये बचे हुए आठ भी पाकिस्तानी सैनिक बचने नहीं चाहिए पुनः एक बार गोलीबारी कर दी और सभी पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को ठेर कर दिया लेकिन हमारे कैप्टन किंगुरु से वहां पर शहीद हुए यहां पर बैठे हुए कैप्टन किंगुरु से के वीर पिताजी को हम सभी लोग नमन करते उस नागालैंड के जंगलों में मैं जाके आया हूं उस नागालैंड के उस छोटे से गांव के छोटे से घर में मैं जाके आया हूं आप जब उनकी तस्वीर यहां पर देखोगे कि आपके आंखों में से आने वाले अश्रु को आपको रोकना होगा और जाबाज और जिंदा दिली से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाले हमारे इन सेनानियों को आपको आज सलाम करना होगा यही हमारा उद्देश्य होगा पुनः एक बार आपको धन्यवाद भारत माता की